On the mic today, I have with me the top man for all Pakistani football news, the eyes and ears of Pakistani domestic and national football, none other than Don's very own Umaid Wasim. Thank you so much, Umaid, for coming on the show and talking to us. This is Pressing Matters. Everyone, please subscribe. No, it's our pleasure. Follow us on social media, share this video, and stay tuned for more football analysis and interviews of both Pakistani and European football. I don't think there is anyone better जो हमें इस तरह पाकिस्तानी फुटबॉल की डाइसेक्शन और एनालिसिस जो है वो दे सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि what's what and how things can move in the right direction. Umaid, starting off straight away from recent developments, एक दिन start of July, जावेद अफरीदी कहते हैं कि bombshell drop करते हैं और कहते हैं कि मैं franchise football league के बारे में बातें भी शुरू कर दी हैं investors से और ये next big thing है जो आ रही है. एंड देन वन वीक लेटर PFF स्टेटमेंट निकालती है कि हमारे बगैर कोई लीग नहीं हो सकती, जिसने भी जो करना है वो हमारे एवी साइड पे आप नहीं बैठे बैठे कर सकते. देन जावेद अफरीदी क्लैरिफाइज दैट PFF इज ऑब्वियसली वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स जिसको वो अप्रोच करना चाहते हैं. दैट्स बेसिकली द टाइमलाइन, बट आई जस्ट वॉन्ट टू गेट योर थाट्स ऑन दिस होल थिंग. एंड बाय द वे, एवरीवन हु इज लिसनिंग, उमैद हैज रिटन अ वेरी वेरी ग्रेट आर्टिकल ऑन दिस इन डॉन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो या टेक इट अवे. Basically, see, मेरी जावेद अफरीदी से बात हुई for the first time when I was doing this story. The PFF ने notification release की. Thing is that I don't think के first of all I think के जावेद अफरीदी को ऐसे tweet नहीं करना चाहिए था. Because if you starting a franchise league, first of all, तो आप मतलब at least आप पहले stakeholders से तो बात करें. You're giving rise to a conspiracy because देखें, franchise league, मैं personally I am very averse to a franchise league in Pakistan. It's not the way forward for football development anywhere in the world. मतलब कहीं पर भी ठीक है, franchise league में ना there's no youth football, there's no club setup. It's a franchise. See, a franchise is always something which is a business. मतलब PSL में देख लें, लोग कहते हैं यार टैलेंट निकल रहा है. आई डोंट सी टैलेंट निकल रहा है पाकिस्तान को. आप देखें क्रिकेट में कहाँ पहुंच गई है. मतलब सही है, कभी मतलब कुछ प्लेयर्स आ गए, लेकिन ऑन द होल आई मीन क्रिकेट में चले फ्रेंचाइजी चल जाएगी, बट फॉर फुटबॉल आप एक महीने की लीग कराएंगे तो आपको क्या क्या टैलेंट मिलेगा. मतलब माई होल थिंग इज कि यार आप क्लब फुटबॉल डेवलप करें, आप क्लब बनाएं, आप इन्वेस्टर्स बनाएं हु लुक एट द लॉन्ग टर्म. अकेडमीज बनाए कि वो उन्हीं अकेडमीज में प्लेयर्स हों एंड द होल क्लब स्ट्रक्चर. आई मीन दैट्स द वे टू मूव फुटबॉल फॉरवर्ड. वी सीन इन इंडिया, इंडिया ने ISL बनाया, अब वो आई लीग के साथ मर्ज हो गया. मतलब इट्स केओस बेसिकली. और यू देन नो कि अब इंडिया में हू इज कंट्रोलिंग द स्टेक्स ऑफ फुटबॉल. इट्स रिलायंस जो ISL चलाती corporations basically. मतलब I personally am not a big fan of a franchise league and I don't believe that it will be a benefit. I mean, in the franchise league, who will you come in? Those retired footballers? I don't think that retired footballers will improve your football. I mean, they will play an exhibition match and that's enough. And plus, I still don't think that अगर ये तीन महीने की भी लीग कराते हैं तो तीन महीने के लिए फुटबॉलर्स नॉट कम इन स्टे इन पाकिस्तान फॉर थ्री मंथ. टॉप क्वालिटी फुटबॉलर्स तो कोई भी नहीं आएंगे. मतलब इवन ये रिटायर्ड प्लेयर्स भी नहीं आ पाएंगे. मतलब ये जो अभी रिसेंटली जो फीगो और काका वगैरह आए थे वो दो दिन के लिए मुश्किल से आए थे और उनको जो रिसेप्शन मिली उसके बाद वो कहेंगे अब हमने आना भी नहीं. बिल्कुल वो नहीं आएंगे. देखिए फ्रेंचाइज लीग जो है ना वो फुटबॉल में डज नॉट वर्क लाइक इट डज इन क्रिकेट. फुटबॉल you need competition throughout the calendar year, you need a proper season. Just to play devil's advocate, log keh sakte hain, I mean I'm pretty sure is tarah ki arguments hongi ki aap franchise league MLS aur A league type dekho jo zyada der ke liye chalti hai. The point is ki aap kyunki basically what I think their argument is ki kisi tarah investors ko aap keh rahe ho ki bhai aake football mein paisa lagao. And this franchise league is basically something that is enticing for them. And agar theek hai, wo the ends justify the means wali baat hai ki wo jis marzi tarike se aa rahe hain,
लोगों को फुटबॉल देखने को मिल रही है, चल रहा है काम, तो व्हाट इफ इट्स द लेंथियर लीग, और अगर एमएलएस और ए लीग वाले स्ट्रक्चर पे अगर हम चलें? देखिए पर्सनली आई डोंट सी कि हम एमएलएस के जाएंगे, आई डोंट सी दैट हैपनिंग, इट कैन नॉट हैपन, क्योंकि आई मतलब विलिंग टू इन्वेस्ट, बट आई डोंट सी कि कोई भी फुटबॉल में ऐसे पैसे लगाएगा पाकिस्तान में, स्पेशली का एमसीओ एंड द होल थिंग इज फेल ऑफ, मतलब लीग और एमएलएस एंड ए लीग का फिर भी एक स्ट्रक्चर है, मतलब ए लीग में the state and franchises, they मतलब उनके एक proper collaboration effort है. जावेद अफीदी भी यही कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन I mean right now मतलब आप अगले साल की बात कर रहे हैं, I don't see that happening, it's too soon. हमें franchise league पे वैसे भी जो है ना, मतलब basically A league में जो clubs हैं उनकी फिर भी youth teams हैं, सब कुछ है, लेकिन franchise league in Pakistan no. I don't see that कि कोई invested इतना खर्चा करेगा infrastructure या कुछ ऐसा, because see it's basically everybody wants to make quick money and the idea of franchise league doesn't even make a business sense. हाँ मतलब it's better कि आप club में invest करें, आप कोई long term investor ढूंढने, यार देखें franchise league में दूसरा मसला ये है कि see you already have the Pakistan Football League जिसमें आपके डिपार्टमेंट खेलते हैं, सही है, ऑल ऑफ अ सडन इफ दोज डिपार्टमेंट्स पुल आउट, सही है, देखें बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर ये है, इसी दीज डिपार्टमेंट्स दे पे द प्लेयर्स एवरी मंथ इवन व्हेन देयर इज नो सीजन बिकॉज ऑल दीज प्लेयर्स आर कॉन्ट्रैक्चुअली मतलब उनके कॉन्ट्रैक्चुअली एम्प्लॉयड होते हैं, सही है, दे गेट पेड, यू थिंक अ फ्रेंचाइज ओनर विल डू दैट, नो आई डोंट थिंक सो, दोज डिपार्टमेंट्स हैव डीप पॉकेट्स, उन्होंने ये किया हुआ है, आप प्लेयर्स की सिक्योरिटी कहाँ से देंगे, और ऊपर से आप फ्रेंचाइज भी करा रहे हैं, जिनसे मेरी बात भी हुई है उन सब का आई थिंक एक कॉमन डिनोमिनेटर ये है कि पाकिस्तानी फुटबॉल और जनरली फुटबॉल इन द वर्ल्ड इज वर्किंग क्लास स्पोर्ट एंड लॉट दिस स्पोर्ट जनरली इन द वर्ल्ड एंड इवन इन पाकिस्तान एक्ट्स एक सोशल मोबिलिटी का तरीका है, आपको वो एम्प्लॉई बना लेते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, इट इज़ वे टू गेट अप इन द वर्ल्ड एंड अर्न समथिंग दैट यू वुड थ्रू अ स्किल दैट यू हैव जो अदरवाइज आपको ना होता, अगर फ्रेंचाइज लीग आती है तो वो प्योरली 3 महीने के लिए पैसे या जो भी देंगे, आई थिंक ऑल ऑफ दीज वर्किंग क्लास पीपल विल बी प्राइस्ड आउट और फायदा किसी का कुछ भी नहीं। देखें प्रॉब्लम ये भी है ना कि देखें फुटबॉल में ना मतलब क्रिकेट में फ्रेंचाइज लीग है, बेकार सी चैंपियंस लीग T20 शुरू हुई थी doesn't happen anymore but sorry miraj kala kharab hai but when it comes to football na to football mein there is the afc champions league ya afc cup yeah hamari teams afc cup mein khelti hain sahi I don't see ki koi matlab agar aap ek franchise owner hai aap अपने आप को सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिट तो नहीं करना चाहेंगे ना, यू विल इवेंचुअली वांट कि यार मेरी टीम जाए एएफसी कप खेले एंड दैट पुट्स यू ऑन अ कोलिजन कोर्स विद द पीपीएल, तो बेसिकली देखें ये वाली बातें करना कि यार मैं फ्रेंचाइज भी करा रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, देखें कहना बहुत आसान है, आई डोंट सी दिस हैपनिंग, आई रियली डोंट, मतलब ऐसा होगा होगी, तो स्पीकिंग ऑफ थिंग्स दैट द ज्यूरी इज आउट Yeah, definitely. I think speaking of things that are happening, so there is, for everyone who doesn't know, or just to get people up to speed with the timeline, FIFA ki appointed ek PFF normalization committee hai, abhi Pakistani football mein. In September 2019, FIFA appointed a 5-member normalization committee, aur unka aim basically mainly do cheezein thi, ek tha holding free and fair elections, district, provincial aur executive committee ke, और दूसरा था रिफॉर्मिंग इलेक्टोरल प्रोटोकॉल्स और इंस्टीट्यूशनल रूल्स, जिसकी वजह से सारा द पॉइंट दैट वी वर एट बिफोर ऑल ऑफ दिस, उनको मैंडेट मिला था जून 2020 तक का, बट ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड एंड ऑल द सिचुएशन सराउंडिंग इट मई 2020 में फीफा ने एक्सटेंड कर दिया नॉर्मलाइजेशन कमेटी का मैंडेट टिल द एंड ऑफ द ईयर, सो 31st December 2020, एंड इन April 2020 फीफा इवन पुट आउट अ स्टेटमेंट सेइंग दे वर एनकरेज्ड by the normalization committee's work, but basically Umed, as with anything there are a lot of criticisms jo normalization committee ko face karni padi hain,
So some of those I'll just list out and then hear your thoughts on them. Azhar Khan in The Nation said that they're not neutral. Hamza Khan and Mujahidullah Tareen are part of Zaheer Shah faction. So LFA president Mia Rizwan and Khalid Khan, who's a player slash coach, said ki apne ye funds jo hain wo apne group ko promote karne ke liye kar rahe hain. Is there any, firstly, could you explain thodi si brief aap background de sakte hain factions wagaira ka kya chakkar hai for people who are not aware? And secondly, in criticisms mein koi sachai hai? Is there any like smoke, wo, you know, where there's smoke there's fire wala scene? देखें, अगर क्रिटिसिज्म में सच्चाई होती तो फीफा वुड हैव टेकन एक्शन. फीफा हैज नॉट टेकन एक्शन, दे फुली बैक द नॉर्मलाइजेशन कमिटी. बेसिकली मैं आफ्टर फीफा सिंस 2015 क्या नॉर्मलाइजेशन कमिटी इंस्टॉल करे पाकिस्तान में, इट वाज एंड इट इज द ओनली वे आउट फॉर पाकिस्तान फुटबॉल. मतलब जब नॉर्मलाइजेशन कमिटी इलेक्शन कराएगी, क्योंकि देखें इतनी कंट्रोवर्सी थी ना 2015 का जो पीएसएफ का इलेक्शन था ना, the way it happened, it was so controversial. ये वो तो नहीं और था जिसमें घर के अंदर कराया गया था. जी बिल्कुल, वो फार्म है चांगला गली में, और फैसल साले आज साहब ने कराया था जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इतने सालों से प्रेसिडेंट रहे हैं. बेसिकली ना देखें, जो रूल्स ऐसे फ्रेम हुए थे पीएसएफ के फैसल साले आज वो ऑलवेज हैव गॉट इलेक्टेड. मतलब it was the rules were made that ठीक है. उससे पहले एक disagreement हुआ when actually एक बंदा Colonel Farhat Ali Shah, he was the PFF director of project, he stood up on an election in Punjab and he said कि नहीं आप ये गलत कर रहे, because फैसल साले आज साहब अपने पंजाब में election जितवाना चाह रहे थे. So that's where it all broke off in April 2015. वो election डिस्प्यूटेड था पंजाब का, पीएसएफ इलेक्शन डिस्प्यूटेड था. फीफा को अपना एक्शन लेने में काफी टाइम, मतलब बट सिंस 2015 आई हैव बीन ऑफ द व्यू के भाई नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगनी चाहिए. लोगों के व्यू, दूसरे जर्नलिस्ट की आप बात करें उनके काम की, मैं मतलब सबकी अपना एक पर्सनल ओपिनियन होता है, लेकिन देखें इतनी कॉन्ट्रोवर्सी रही है. What is FIFA election करा है ना, FIFA हमेशा दुनिया भर में normalization committees के through ही election कराती है. They don't send their own people के भाई आप यहाँ पे election कराएं, because there's a lot of politics involved यहाँ पे football में. So you need एक पाकिस्तानी लोग आपको चाहिए होते हैं. तो basically FIFA ने normalization committee जब लगाई तो FIFA ने सारे जो दो factions थे, एक अशफाक हुसैन शाह और मतलब basically अशफाक हुसैन शाह ज़ाहिर शाह faction, and one was the Faisal Saleh faction, so unse recommendations thi ki aap apne bande nominate kare. FIFA did a bunch check, they do it very thoroughly, and one of the reasons ke Faisal Saleh sab FIFA council ke election ke liye khade nahi hue kyunki unko pata tha wo phas jayenge, because he'll pretty check. So FIFA ne wo sab bahut thoroughly kiya, and they appointed a committee. Usme se jo ek के जो इनिशियली अपॉइंटेड थे सैयद नजीब हसन शाह, उनके खिलाफ काफी एविडेंस थी दैट ही वाज अ फैमिली मेंबर ऑफ फैसल साले, तो उनको फीफा ने रिप्लेस किया अपनी कमेटी में. राइट, बट अदरवाइज इट्स द सेम नॉर्मलाइजेशन कमेटी. आई डोंट नो व्हाई पीपल आर क्रिएटिंग सो मच फस अबाउट इट कि यार मतलब ये नहीं है, ये न्यूट्रल नहीं है. न्यूट्रल नहीं होगी तो फीफा वुड हैव टेकन एक्शन. Yeah, that's true. I talked to Ali Ehsan of FPDC and he said ke in criticisms ka koi weight nahi hai. He agreed with you. He was like, ami jinke jo jinki basically power chheen ke NC ko in state wo laya gaya wo sare ye baatein kar rahe hain, so you don't need to look far to wonder why all of these criticisms exist aur wo kahan se aa rahi hain. So I just want to dekhen kyunki main football, I wanted to add ke dekhen, sure. नॉर्मलाइजेशन कमेटी का यहाँ लगना ना वाज अ बिग ब्लो फॉर फैसल साले यार. ही वाज ऑल पावरफुल, यहाँ पर लोग जो हैं वो उनको बिल्कुल मानते थे लाइक ही वाज एवरीथिंग, फीफा एंड एएफसी एंड एवरीथिंग. यस, फैसल साले यार हैड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस इन एएफसी, ही इज स्टिल द वाइस प्रेसिडेंट, बट फीफा ने एएफसी के वाइस प्रेसिडेंट को नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगाई है. सो दैट speaks volume of मतलब कि फैसला लेआत के लिए ये कितना damaging है और ये सब चीजें क्यों आ रही और ये situation कितनी बुरी है normalization committee की. हाँ बिल्कुल.
Yeah. So I just wanted to get your thoughts on the normalization committee and their work so far. How do you assess what they've done? And do you think ke koi hai behtri jo wo kar, like abhi, is there, are there any shortcomings in what they're doing? Normalization committee ki working mein? I would not like to be an advocate for the normalization committee, but ye hai ki jis hisab se wo kaam kar sakte the unhone kiya hai. There have been some issues, matlab even I was like yaar aap jaldi jaldi ye karaye cheezein, lekin of course under corona situation aa gayi hai and the whole everything has come to a standstill. So, वो उस हिसाब से उतने तेजी से district committees और मतलब provincial normalization committees नहीं कर पाए, क्योंकि जो सबसे important चीज़ है ना वो club scrutiny है. जब तक club scrutiny नहीं होंगे, the election cannot go forward. Club scrutiny का जो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप tournaments कराएं. See, when there is a tournament, you can actually see that this club actually exists. मतलब they have to play, to put out a playing 11 on the field. इतने सालों से इतनी जो फीफा ने क्लब स्क्रूटनी इससे ही करा रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली दे केम टू नो दैट देयर आर लॉट ऑफ बोगस क्लब्स हु आर इन्वॉल्वड इन द पीएसएफ वोटिंग प्रोसेस. सो द स्क्रूटनी इज टू रिमूव ऑल दोस बोगस क्लब्स दैट एग्जिस्ट ऑन पेपर. सो यस, नॉर्मलाइजेशन कमिटी इज ट्राइंग. मतलब वी आई विल राइट नाउ आई बिलीव कि यार देखें, फीफा अगर आपकी फुटबॉल को सही करना चाह रही है तो वाई को कैसे. या so what is the timeline for elections, do you think? Kya ye December tak process complete kar payenge considering COVID and everything that's happening? Like you said, bada beech mein intricacies ya masle the jo inko sahi karne the. December tak hoga, aur agar na hua to phir kya scene aage? Yes, I think December tak ho jayega, because we see the curve going down in Pakistan. Yeah. COVID ka I would think कि ये जब चीजें थोड़ी normalize होंगी तो फिर think the election process will get speed up. लेकिन I think December से थोड़ा सा आगे होगा. मतलब I still don't think कि December तक elections हो जाएंगे. I personally feel कि December से थोड़ा सा आगे जाएगा, because this is a long process. Yeah, true. And districts पे elections होने, club scrutiny होनी है districts पे. Yeah. काम करके चली जाती है एंड ऑन द सर्फेस थिंग्स आर एज फीफा वॉन्ट्स देम टू बी, व्हाट डू यू थिंक इज द पिक्चर फॉर पाकिस्तानी फुटबॉल इन द नेक्स्ट से 5 years? कोई बेहतरी आपके ख्याल में है इवन इंस्टीट्यूशनली? यार देखें, आई मतलब मैंने फुटबॉल ऑफिशियल्स को देखा है पाकिस्तान में. फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर फुटबॉल के लोग आएंगे तो फुटबॉल बेहतर होगी, वरना अगर वही लोग आ गए जो पिछली फेडरेशन में रहे हैं, मतलब एटलीस्ट वो लोग हों जिनको फुटबॉल इम्प्रूव करने का वो, मतलब यहाँ पर जो मैंने ऑफिशियल्स देखे हैं यार, मतलब आई पर्सनली फील, मतलब आई डोंट सी फुटबॉल progressing until you have some visionary people working in football. Now you need to have like proper people who know the world game. It works. Until unless aap ek army ke retired general ya colonel agency bana denge aur expect karenge ki football achhi ho jayegi, so that's not going to happen. You need people, you need young, energetic, proactive people jinko football ka pata ho ki football development kaise hoti hai. There are a lot of people in Pakistan right now studying sports management. आप ऐसे लोगों को लेकर आए फेडरेशन में, मेक देम अ पार्ट ऑफ इट, गिव देम गुड रोल्स, गिव देम गुड सैलरी, दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू इम्प्रूव. यू कांट एक्सपेक्ट के यार ये आर्मी में फुटबॉल चलाते थे तो ये चला लेंगे. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, दैट्स नॉट द वे इट विल हैपन. हमारे यहाँ अभी भी जो फुटबॉल ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिस तरह वो फुटबॉल खिलाते हैं, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट फुटबॉल. Basically, how the global game has progressed, itni nutrition pe itna kaam hota hai, fitness pe itna kaam hota hai. Yahan par agar waisi log chalate rahenge to kuch nahi hona. True. So do you think it's less than masla ye nahi hai phir normalization committee aake duniya ke best rules utha ke liye end pe agar wo retired army general ko elect karenge log to phir to masla wahi ka wahi hai. Haan, matlab basically
बात नहीं, हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो वाकई फुटबॉल में करना चाहते हैं? आई जो मैं ऑफिशियल से मिला हूँ इतने सालों में, कवरिंग फुटबॉल एंड फुटबॉल पॉलिटिक्स मोर देन फुटबॉल, मतलब आई हैव सीन ओनली अ फ्यू पीपल हु आई रियली थिंक कि वो फुटबॉल के लिए कुछ कर सकते हैं. वन ऑफ देम इज ताहा अली दई ऑफ कराची यूनाइटेड. मतलब उनके खिलाफ बहुत सारी बातें हो रही हैं कि नॉर्मलाइजेशन कमिटी में उनका इन्फ्लुएंस है या जो भी है, बट हो या ना हो वो हमें नहीं पता. लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि हमजा उनके ताहा के दोस्त हैं, लेकिन आई वुड से इफ ताहा इज स्टैंडिंग फॉर पीएफएफ प्रेजिडेंट, आई वुड से एनी डे अपॉइंट हिम या फॉर या या पीएफएफ मैं प्रेजिडेंट. कराची यूनाइटेड का जो देखा मतलब है, द वे दैट दे हैव सेट इट अप, जो उनकी यू टीम है विद करीम कराई, शेख हमदान, वंडरफुल कोचेस, बिल्कुल जिस तरह का उनका सेटअप है, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली मार्वलस. तो या यू आर राइट के, लेकिन आई थिंक इसके अंदर ये भी है कि जो लोग जिन्होंने लाइक यू सेड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ी हुई है, जो सारे वो हैं पाकिस्तान में, वही मसला है कि हम उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं करते, उनको कोई मुँह नहीं लगाता. तो फिर उन्होंने ऑब्वियसली, इट्स नॉट लाइक देर इज़ अ लैक ऑफ द सिंसेरिटी इफ़ यू लुक इन द राइट प्लेस, इट्स जस्ट दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू इवन वॉन्ट देम और डिमांड फॉर देम टू कम ओवर. यार देखिए, फीफा इतनी ज्यादा फंडिंग आपको देता है, इट्स नेवर यूटिलाइज्ड इन द राइट प्लेस, दैट इज द थिंग. मतलब हमारी जो पिछली फेडरेशन थी वो उनको समझ में नहीं आ रहा होता था फीफा इंटरनेशनल डेट से, यार क्या टीम के एक्सपोजर के लिए कुछ फ्रेंडली मैचेस के लिए दूसरे लोगों को अप्रोच करो. ये हमेशा यही चाह रहे होते थे कि यार हमें फ्री टिकट मिल जाए, फ्री लॉजिंग मिल जाए, हम टीम भेज देंगे. यार इस तरह फुटबॉल थोड़ी चलती, यू हैव टू इन्वेस्ट इन फुटबॉल टू गेट द रिजल्ट. मतलब I मतलब at times I really get frustrated because I mean I want to see Pakistan feature Definitely. in Asian Cup. I don't think हम कभी World Cup के लिए qualify कर पाएंगे, पता नहीं. I sound लाइफ very टाइम में तो नहीं लग रहा, लेकिन pessimistic. हाँ लेकिन मतलब I want to see Pakistan qualify for an Asian Cup. मतलब यार I've covered two World Cup. एंड आई नो कि यार कितना अच्छा फीलिंग होती है जब आपके आपका अपना मुल्क पार्टिसिपेट कर रहा होता है. यू यू वांट पाकिस्तान टू बी ऑन दैट ग्लोबल स्टेज. एंड इट्स नॉट अबाउट लाइक यार आइसलैंड को देखते हैं आप, दे वर एट अ वर्ल्ड कप एंड देयर इज अ नेशन इन दी इतनी कम पॉपुलेशन, क्रोएशिया के हमारी लाहौर इतनी से ज्यादा कम आबादी पॉपुलेशन है, है. बिल्कुल लाहौर से कम क्रोएशिया की है, वो वर्ल्ड कप फाइनल में थे. बिल्कुल मतलब देखिए ना, यही बात ना, आप स्ट्रक्चर बनाए, प्लेयर्स एनहांसमेंट पे काम करें, दिस सो मच दैट कैन बी डन. बट आई डोंट नो, पता नहीं, वी आर वी लाइक सेंचुरीज बिहाइंड वर्ल्ड फुटबॉल एट द मोमेंट. Yeah, I think that's a nice segue because I want to get your thoughts on the domestic league structure. और फ्रेंचाइज की हमारी बात होगी कि फ्रेंचाइज जो है, दैट्स नॉट द वे टू गो फॉरवर्ड इन योर ओपिनियन. ऑब्वियसली पाकिस्तान प्रीमियर लीग और वो जो सारा अपना स्ट्रक्चर है उसमें ही रहे कि जो करना है वो करना है. वॉट डू यू थिंक इज़ रॉन्ग विद द करंट स्ट्रक्चर, जिधर डिपार्टमेंट्स वगैरह सारे बीच में हैं? देखें, यू हैव अ वे टू वर्क अराउंड दैट डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर. मतलब जो AFC की जो क्लब लाइसेंसिंग, ग्लोबली जो क्लब लाइसेंसिंग रेगुलेशन है ना, उन यू यू कैन वर्क योर वे अराउंड दैट. मतलब बेसिकली डिपार्टमेंट कैन बी द फाइनेंशियर्स ऑफ अ क्लब. यू डोंट रिमूव द डिपार्टमेंट या फ्रॉम फुटबॉल बिकॉज इवेंचुअली यूड बी लूजिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द प्लेयर्स. यस बट डिपार्टमेंट कैन ऑलवेज बी the people backing a club. You just make the club something आपके football. Basically that's what club licensing is all about. जैसे अगर आपके KRL की football club है, उसके आपके finances separate है, मतलब यानी कि आप KRL का पूरा sports budget दिखा रहे हैं, but KRL has like a separate finance, training facilities, stadiums they already have, but that's the way you can like ट्रांसफॉर्म दिस डिपार्टमेंट टू. जापान में ऐसा बहुत हुआ है, मतलब ऑल दीज लाइक क्लब्स लाइक योकोहामा, मैरिनोस एंड स्टफ, दे आर ऑल लाइक डिपार्टमेंट बैक बट नाउ देयर क्लब. सो यू कैन डू इट. इट्स नॉट दैट पीपल हैवंट डन दैट, इट्स जस्ट दैट यू नीड द राइट पीपल विद द नॉलेज ऑफ क्लब लाइसेंसिंग वर्किंग ऑन इट. या आई मतलब थिंक हो सकता है. इट्स या आई थिंक गए अली एहसन वॉज टेलिंग मी कि एक ये भी इशू है कि पाकिस्तान में फ़ैन कल्चर वगैरह और ये सारा मसला है, आपकी डोमेस्टिक फ़ुटबॉल की इतनी सपोर्ट नहीं है.
बिकॉज आपके सो लाइक यू सेड डिपार्टमेंट्स बैक कर सकते हैं बट क्लब्स ही डिपार्टमेंट्स हैं. सो योर बिगेस्ट राइवलरी इज वापडा वर्सेज आर्मी एज अपोज टू लाहौर वर्सेज कराची. सो यू डोंट हैव अ सेंस ऑफ एसोसिएशन और अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ सर्टन. आपका वापडा से क्या ही, आप वापडा को गालियां ही देते हो और आप क्या करोगे वापडा के साथ? यार देखिए, आई मतलब क्योंकि डिपार्टमेंट की कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स फुटबॉल, वी कांट जस्ट से कि यार आप कल को निकल जाओ यहां से. डेफिनेटली थिंग इज कि देखिए, पाकिस्तान में हम कहते हैं कि फैन कल्चर नहीं है. तो फैन कल्चर है, इट्स नॉट दैट कि नहीं. आप अगर ले आ जाए और कभी कराची पोर्ट ट्रस्ट की टीम खेल ले हो, तो देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल टर्निंग अप टू वॉच इट. They love the style of play. They play on the ground and people want to see that. They come to see it. Chaman chale jaye, wahan clubs hai, Muslim FC, Afghan FC, there is a proper fan following. Sorry to cut you off. I think main galat. Fan culture, hamare hisab se jo fan culture hai na, wo ye hai ki hamare elite football mein jaake part le. Matlab jaise jo matlab बेसिकली वही बात है ना कि कहते हैं कि यार जो आप अच्छे घराने वाले हैं वो जाके फुटबॉल देखें एंड दे हैव दिस सपोर्ट थिंग. हमारे यहाँ आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड टू से कि पाकिस्तान में जो है ना वेरी फिकल. मतलब वो बातें करते हैं जब फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी आ रही होती है तो बोलते हैं ये पाकिस्तान फुटबॉल इज गोइंग फॉरवर्ड. यू डोंट नो मैन व्हाट हाउ पाकिस्तान फुटबॉल इज गोइंग फॉरवर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ अ ट्रॉफी. जो फैंस है ना, दे नीड टू शो दैट प्रॉपर एलिजेंस. कभी जाएं और मैचेस देखें, स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद पाकिस्तान फुटबॉल जस्ट लाइक यू आर इन लव विद योर यूरोपियन फुटबॉल. मतलब आई स्टार्टेड वॉचिंग फुटबॉल, मतलब मेरे तो यूरोपियन फुटबॉल का शौक पड़ा. एंड नाउ आई एंजॉय फुटबॉल. आई एंजॉय व्हेन आई सी केआरएल प्ले और आई एंजॉय व्हेन आई सी केपीटी प्ले और फुटबॉल तो बड़ा हुआ यार. नॉट लाइक हाँ है, मतलब देयर इज अ लीग हैपनिंग, नोबडी टर्न्स अप टू वॉच पाकिस्तान फुटबॉल. मैंने गलत एक्सप्लेन किया था. व्हाट अली वाज ट्राइंग टू से वाज के आपका वर्किंग क्लास फैन कल्चर बहुत ज्यादा है. अगर आप फैसलाबाद साइड पे चले जाओ, लियारी चले जाओ, आप गिलगित बल्तिस्तान फाटा वाली साइड पे चले जाओ, फुटबॉल के पीछे लोग पागल हैं. द रीजन वाई दैट डजंट ट्रांसलेट इन टू ए डिपार्टमेंट वाले इज बिकॉज उनको अपने एरियाज और मतलब कोई सेंस ऑफ एसोसिएशन उनको उन जगहों से है. So what I think he was trying to say was that it would be better if you could have that kind of structure jahan pe logon ki sense of allegiance or sense of association by default hoti hai. Jaise homegrown wo nahi hota, local club ko main support karta hu, wo I think would be a much easier way to fall in love with something as opposed to ke oh main dekh, kyunki zyada tar log is tarah ke nahi hote ki main baith ke ji KRL ko dekhunga aur main ab jo hai mujhe isse pyar ho jayega before KRL is trendy like you said. That's just human nature. But अगर लाहौर खेल रही है और मुझे फुटबॉल का शौक है तो it, I think there would be more of a chance कि मैं बैठ के कहूँ यार लाहौर मेरी टीम है. जैसे लाहौर कलंदर्स का करते हैं कि हारती रहती है लेकिन लोगों को पसंद तो है क्योंकि लाहौर है. हाँ नहीं, absolutely. That's the way you move the league forward. मतलब basically जैसे कराची में दो टीम है, KPT हो गई, के इलेक्ट्रिक हो गई. केएल को सब गालियां देते रहते हैं वैसे लोड शेडिंग की वजह से. But eventually, if you have a different name forward, that's what club licensing is all about. And the electric would be in the backdrop. Yes, they're supporting the electricity company, which is supporting the club. So it looks good on KE as well, that they're supporting football. They already do support football by running a team, but running a club, and that takes it to a whole different level. So basically, wahi baat hai na, KPT would suppose be the other Karachi team. And we have K Electric. Kisi tarah KRL would be like, because they're based in Pindi. Yeah. Islamabad ki team ban jayegi. And so you will eventually, that's the thing na, matlab aap agar club licensing pe sahi tarah kaam kare, so eventually you will have these teams. In fact,
मतलब जैसे हमारा बहुत सारा अनटैप्ड वो है, टैलेंट है. मतलब बेसिकली जैसे मैं लास्ट टाइम गया था मतलब दिसंबर में, दिस यूफोन ऑर्गेनाइज अ टूर्नामेंट इन खैबर पख्तूनख्वा, द केपी फुटबॉल कप. सही है, उसमें देवर केपी की ना रीजनल सिटीज की टीम थी बेसिकली ना, राइट. तो इट वॉज अमेजिंग. मतलब इतने इतना मतलब चित्राल की टीम थी, पेशावर की टीम, एंड fans really associate themselves with that. And that's what we need to bring to the people. Eventually, matlab wahi fan base, basically you bring it to the PPL. Matlab main kaha tha ki agar hamare paas ek proper promotion system ho, ki ye team jo hai wo B division khele, and then the proper system they can get promoted. Like for example, ab jaise cricket hai, it's actually funny that they're a club, but they play in the departmental division of B division. Sahi hai. So basically, boy, you know, there's a lot of things that can be done, and eventually that fan base come to the PPL. Eventually, if you see ke agar, matlab agar jaise koi banda hai Mardan FC ka supporter, his unki jo football fan base hai wo PPL ki taraf isliye nahi aati because there is no path for Mardan FC to qualify for the PPL. So if you have that pathway, so eventually you have like a B division iski achhi following hai, then you have this PPL, and of course it's so then you form a fan base of the whole league, and then of course the clubs and all. Yeah, absolutely, absolutely. So moving on to the other big news, and one of the rare good news that you get in Pakistani football is that Daniel Limon has been appointed as the technical director of PFF for 6 months. Your thoughts on the appointment and whether he can do something substantial in such a short time? Well, thing is ke, the tenure is very short, and frankly speaking, 6 months for a technical director is too less. Yeah. But credit to the PFF normalization committee, at least football chala rahi hai. If any could give Pakistan football a blueprint on how to work on, basically hamare paas aaj tak koi blueprint hi nahi hai na ki hum kis tarah kaam karna chahte hain football mein. If Danny could do that, that would be in Pakistan football. But it matlab wohi baat hai na ki aap ek एज ग्रुप से लेकर नेशनल टीम तक एक पूरा एलीट फुटबॉल सिस्टम बनाए, स्टफ, इट्स गोइंग टू टेक टाइम. या बट इफ ही कैन डू दैट, सो इट वुड बी द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन. मतलब बेसिकली आने वाले जो लोग हैं वो उस पे काम भी करें, वो बना तो दें, ये अपने पॉलिटिक्स से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के प्रोजेक्ट कंप्लीट होने लगे, आके खत बंद कर दो कि पिछली पार्टी ने किया था. बिल्कुल बिल्कुल. या सो हैव यू हैड अ चांस टू टॉक टू हिम और यू नो हैड अ चैट विद हिम ऑन दीज मैटर्स? व्हाट डू यू थिंक, अभी जो हमने इतनी सारी बात की है, 6 महीने में हाउ मच ऑफ दिस कैन ही चेंज? लाइक क्लब लाइसेंसिंग का कुछ हो सकता है? क्या चीज ऐसी है जो रियलिस्टिकली अचीव हो सकती है? या ज्यादा कुछ नहीं होता. टू बी वेरी हिदायत दी जा सकती है. आई थिंक months mein ho sakta hai ki they could organize some good coaching seminars for the coaches. Matlab basically just you don't know na ki kal kya hone wala hai. Hamare paas na koi international matches hai na kuch kind of activity hai. If there was something to look forward to, then you can think ki ha chalo ek aane se impact aayega. But I think maybe if he can like train coaches, मतलब बेसिकली मैं जब डैनी से मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात हुई थी, मतलब आई वाज वेरी हैप्पी के एटलेटिको मैड्रिड की फिलॉसफी, बिकॉज़ ऑफ कोर्स वो ही वाज विद एटलेटिको फॉर सच लॉन्ग टाइम, थिंकिंग को वो अगर एटलेटिको मैड्रिड की जो बैटल हार्डन फिलॉसफी है वो अगर इंग्रेन हो जाए पाकिस्तान के सारे यूथ लेवल्स में, एंड देन वी कैन हैव अ नेशनल टीम जिसका डिफेंसिव रिकॉर्ड इतना पुअर है, वो अगर डिफेंसिवली सॉलिड हो जाए तो दैट वुड बी डैनीज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान फुटबॉल. बट आई मीन ऑफ कोर्स क्योंकि कुछ है नहीं, आई डोंट नो हाउ दैट कैन हैपन, एंड डैनी ऑफ कोर्स डज नॉट वांट द एटलेटिको मैड्रिड फिलॉसफी. He is more like हम Barcelona type की football. Yeah, because one interesting thing is कि Atletico अपने youth levels में Simeone type football नहीं खेलते. वो एक्चुअली वो पैर शहर पे मतलब प्रॉपर अटैकिंग खेलते हैं, उसके बाद वो जाके उनको ऐसे बैटल हार्डन वो बना. लेकिन
नेशनल टीम में ना यू हैव टू वर्क डिफरेंट, या मतलब क्लब कैन वर्क डिफरेंट डे, बट इन नेशनल टीम में ना यू बिल्ड एन ethos, मतलब कि आप इस तरह फुटबॉल जैसे बेसिकली होता ही है ना, वांट योर नेशनल प्रोग्रेस, व्हाट यू डू इज देयर इज अ वे द नेशनल टीम प्लेस फुटबॉल, एंड देन सारी एज ग्रुप टीम ना प्ले ऑन अ सिमिलर पैटर्न एंड सिमिलर फिलॉसफी, सो दैट व्हेन दैट दैट यंगर प्लेयर ग्रेजुएट्स टू द नेशनल टीम, ही सीमलेसली ब्लेंड्स इन विद द टीम because he knows the style of the play. So that is like the long-term philosophy you want in national team coaching. So, khair, ab dekhte hain ki kya hota hai. 6 months, I still can think he, it's too late. Can he stay on for longer? Ya phir 6 months ka matlab hai ki bas 6 mahine aur phir bas Allah Hafiz. Yeah, basically he has been appointed by the nomination committee. If what can be done is ke jo nahi PFFI, if they decide ke they want to continue with Danny Limanes, then that's another story. But for now, it's contact with 6 months only. Right. I hope के कर ले यार, मतलब लेकिन इनका कोई पता नहीं है, वो कोई और retired बंदा ना उठा के ले आए. खैर, one of the last things that I think we should discuss and is very important. पाकिस्तानी football development के बारे में काफ़ी बात होती है, and there's also obviously two or three things that get talked about a lot. एक है कि investment in youth and infrastructure, investment in coaching, जिस तरह हमने कराची united की बात की. How, like, हमें पता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए. एज समवन विद योर सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, जिसको जिनको इन्स एंड आउट्स और नो हाउ है सारी के क्या किस तरह काम करती हैं चीज़ें, हाउ डू थिंक वी कैन गेट टू अभी जहाँ हम हैं टू हैविंग सम सॉर्ट ऑफ यूथ अकेडमीज और लोकल कोचेज जो हैं वहाँ पे, जैसे लियारी के प्लेयर्स जो हैं वो आ रहे हैं बचपन, इतने स्किल्ड 5 साल के बच्चे आके कोच हो रहे हैं. How far away are we from that and how can we get there? Yeah, basically, when FIFA gave us all those goal projects all those years, the idea was to make them academies. We failed miserably in that. If that could have been done, a lot would have been different. Because if you have goal projects, there would have been coaches employed who would have worked on these players. Basically, you see, You pick out the best players, you train them, you give them proper nutrition, aap unpe work karte hain, unki technique banate hain from the youth. Agar jab tak aapke paas academies nahi honge, you cannot expect ke matlab hum kuch aage tarakki kar sakte. That is the key part, building academies, and we need academies. Without that, football will not flourish, kyunki wo technique pe kaam karte hain. उसके बाद सॉरी आपकी आवाज कट गई थी, कुड यू रिपीट द प्लेयर. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट सर्टेन एज जहां तक आप प्लेयर की टेक्निक पे काम करते हैं ना, मतलब यू कांट एक्सपेक्ट कि जो नेशनल टीम में प्लेयर आ रहा है उसको आप बता रहे होंगे यार बॉल इस तरह आपने रोकनी है या इस तरह वो करना है. सो आई मीन दैट होल इन्वेस्टमेंट इन यूथ इज व्हाट वी नीड, मतलब दैट्स द नीड ऑफ द आवर, कि आप यूथ एकेडमीज बनाए, youth में invest करें. Basically you have your talent hunt scouts looking out for players, the best players, you send them to the elite youth academy, train them, work on them. Athletes are अब जो है ना they're manufactured. Yeah. Like France की वो आपकी Claire Fontaine. आपकी skill level बहुत अच्छा है ना. हाँ. So basically उसी pattern पे आपको चलना है ना. Otherwise you cannot do that. मतलब देखें, अगर कोई प्लेयर स्किल वाइज बहुत अच्छा लेकिन उसमें स्टैमिना नहीं है, देन द प्लेयर इज वर्थलेस. तो वही बात है, यू हैव टू वर्क लाइक वेरी डिलिजेंटली ऑन दिस प्लेयर, अदरवाइज इट कैन नॉट हैपन. लाइक जर्मनी में एक प्रॉपर सिस्टम था, उन्होंने क्लब्स को एनकरेज किया टू इन्वेस्ट इन यूथ, बिल्ड स्ट्रक्चर. फ्रांस डिड डिफरेंटली थ्रू द एकेडमी एंड थ्रू द क्लब्स, एंड देन दे हैड एक्सेप्शनल टैलेंट कम थ्रू एंड दे वन द वर्ल्ड कप. तो मतलब ये है ना, ये इन चीजों पे हमें काम करना है. हमें वर्ल्ड कप नहीं जीतना है, बट हर एम इज टू क्वालिफाई फॉर एन एशियन कप. दैट शुड बी लाइक, मतलब बेसिकली वही बात है ना, आप प्लान्स बनाए ना, यू मेक प्लान्स यार, हम अगले 10 साल में वी टारगेटिंग एशियन कप. मतलब हमारे यहाँ बातें ऐसी होती हैं कि हम अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, यू नो. आई मीन आई एम क्वालिफाइंग फॉर वर्ल्ड कप नॉट अ जोक, मतलब इस तरह की बातें करना ना. See, World Cup qualification is something that needs a lot of work. Netherlands it doesn't happen overnight.
आप इधर बैठ के पाकिस्तान जो तुम क्रॉइफ श्रॉइफ वहां पे आए हैं आपके एशिया यहाँ पे और कह रहे हैं के अगले वर्ल्ड कप के लिए हम क्वालिफाई कर देंगे, इटली नहीं की थी आई थिंक। एशिया के 4.5 स्लॉट है, 32 टीम वर्ल्ड कप पे, मतलब अगली दफा हमारे ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन 48 टीम वर्ल्ड कप जो यूएस में होगा, यूएस मेक्सिको कनाडा में, बट स्टिल आई डोंट थिंक हम 48 के लिए भी क्वालिफाई करेंगे। इवेंचुअली जब वो 100 टीमों का वर्ल्ड कप होगा ना, 211 मेंबर्स होंगे और लोग एक प्ले ऑफ खेल के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, तब शायद हम कर लें, उससे पहले आई डोंट सी दैट हैपनिंग। Yeah, that's true. Umed, it's been an absolute pleasure having you on. आपने बहुत डिटेल से हमें बताया है कि क्या सारा चक्कर है पाकिस्तानी फुटबॉल का एंड वेयर इट्स गोइंग टू गो नाउ। लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरीवन हुज़ लिसन्ड, थैंक्स सो मच फॉर लिसनिंग ऑल द वे थ्रू। डू चेक आउट उमेद्स वर्क एट डॉन, ही फॉलोज पाकिस्तानी फुटबॉल रेगुलरली एंड इज रियली द वॉइस ऑफ रीजन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी फुटबॉल। Thank you so much once again. Everyone who's listening, take Thank care you. And take it easy.